इसराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। युद्ध रोकने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा ही रहा। उधर रूस यूक्रेन के युद्ध ने भी सबकी सांसें थामी हुई हैं। इन सब के बीच अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने शनिवार को कहा है कि इस समय गाजा और यूक्रेन का संघर्ष वैश्विक व्यवस्था के लिए कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिकी और ब्रिटिश विदेशी खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने शनिवार को कहा कि वे युद्ध विराम के लिए लगातार काम कर रहे हैं। CIA निदेशक विलियम बर्न्स और MI6 प्रमुख रिचर्ड मूर ने कहा कि उनकी एजेंसियों ने संयम बरतने और तनाव कम करने के लिए हमारे खुफिया तंत्र का उपयोग किया है। फाइनेंशियल टाइम्स के लिए लिखे गए एक लेख में दोनों सूचना प्रमुखों ने कहा कि इसराइल हमास युद्ध में संघर्ष विराम से फिलिस्तीनी नागरिकों की पीड़ा और जीवन की भयावह क्षति खत्म हो सकती है और 11 महीने की नार की कैद के बाद बंधकों को घर वापस लाया जा सकता है। बर्न्स लड़ाई को समाप्त करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और अगस्त में उन्होंने उच्च स्तरीय वार्ता के लिए मिस्र की यात्रा भी की थी, जिसका उद्देश्य बंधक समझौते पर पहुंचना और संघर्ष को कम से कम अस्थायी रूप से रोकना था। हालांकि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि समझौता निकट है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कहा कि बस कुछ और मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सफलता की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही इजरायल के कट्टर सहयोगी हैं। हालांकि लंदन ने सोमवार को वाशिंगटन से अलग रुख अपनाते हुए इजरायल को कुछ हथियारों के निर्यात को निलंबित कर दिया, क्योंकि इस बात का खतरा था कि उनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के लिए हो सकता है। MI6 और CIA के प्रमुखों ने यह भी कहा कि दोनों देश यूक्रेन में रूस और पुतिन के आक्रामक युद्ध का विरोध करने में एक साथ खड़े हैं। सर रिचर्ड मूर और विलियम बर्न्स ने फाइनेंशियल टाइम्स में पहली बार संयुक्त लेख में लिखा कि इसराइल गाजा युद्ध में कमी लाने और फिर से उभर रहे इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था एक ऐसे तरीके से खतरे में है जैसा हमने शीत युद्ध के बाद से नहीं देखा है। To a degree, changed the narrative around us. As we were saying, Putin pushing forward, grinding forward, village by village, and just having a sort of mentality that I'll just hang on to what I grab. I'm not interested in negotiations. I'll just, just gradually increase it. The Kursk offensive is a significant tactical achievement. It's not only been a, boost in Ukrainian morale. It has exposed some of the vulnerabilities of Putin's Russia and of his military. Much as Prigozhin's short-lived mutiny a little more than a year ago did as well, it did raise questions on the part of people we could see across the Russian elite about where is this all headed. And that underscores the point Richard made that, Putin's whole narrative right now is a very cocky, very smug one.